स्वागत है जी हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम आपको बताएंगे लव ब्लू नूडल्स कैसे बनते हैं। तो चलिए बिना स्किप करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये चेक करो, ये है हमारे तोता भाई जो कि यहाँ को ठांस रहे हैं, देख सकते हैं गाइस आप। और नीचे आप देख सकते हैं नूडल्स निकल रहे हैं कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कितने सारे नूडल्स निकल रहे हैं इस प्रकार से। ये मशीन है, ये मशीन हमको पड़ी थी कम से कम 3-4 साल पुरानी हो चुकी होगी, 50 साल पुरानी मशीन है शायद। ये देखो, इसको भरने के लिए यहाँ पे अपन को ऐसे पकड़ना पड़ता है, फिर इसको आपको ये ऐसे करते जाना है तो इसके नीचे से नूडल्स निकलते जाएंगे। तोतले भाई थक चुके हैं, उनका चेहरा डाउन हो चुका है, तोती बिंदु से कुछ करवाओ। यहाँ पे पापा की परी जो इनकी एनी नी डाउन फुल चल रही है अभी फिलहाल। वो अभी मैं अपनी मम्मा को दिखाना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत खुश हो रही हैं क्योंकि नूडल्स कुछ ज़्यादा निकल रहे हैं। ये चेक करो गाइस, देख सकते हैं आप नीचे यहाँ पे ये सूपा है पूरी तरह से बिल्कुल भर चुका है। ये यहाँ से निकलते हैं मस्त मस्त, देख सकते हैं गाइस। ये चेक करो गाइस, यहाँ से इसको दबाया जाता है फिर नीचे से निकलते हैं। और हम यहाँ पे हैंडल को मतलब मशीन चला रहे थे, देखो गाइस ये निकल रहे हैं मस्त मस्त नूडल्स जो कि आटे के नूडल्स बना रहे हैं हम लोग। इनको घाम में सूखने के लिए भी, धूप में अच्छी तेज धूप हो तो हम लोग सूखने के लिए भी डाल देते हैं। ये चेक करो गाइस, ये चेक करो गाइस, ये है आटा। ये हम लोगों ने छोटे छोटे लड्डू टाइप की लोई बना दी है, इसमें ठूसते हैं और नीचे से निकलते हैं नूडल्स। और इनका स्वाद एक नंबर होता है, इनको बढ़िया बना के अच्छे बढ़िया दूध में खाओ, इतने मस्त लगते हैं। आपने तो कभी खाए ना हो, शायद खाए हो। मोबाइल के बनते हैं बेचारा तोतला भाई, नहीं तोता भाई हमारा बहुत मेहनत कर रहा है, थक चुका है लिटरली। और इसको हवा की जरूरत होती है तो हमने सामने कूलर के सामने अपनी खटिया है जो खड़ियों में इसको लगा रखा है। आप भी कर सकती है। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय।